Good morning everyone, welcome to Pioneer Convent School. Our chapter is going on adaptations in animals and today we will study adaptations in behavior. अभी जो हमने पीछे adaptation study किया था in our last videos, वो हमने adaptation study की थी उनके body features में. कुछ adaptations होती हैं जो behavior में होती हैं, that we will study today. Some animals have different types of adaptation. कुछ animal में अलग तरीके की अडेप्टेशंस होती हैं टू सर्वाइव, ताकि वो जी सकें इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है. एक्सट्रीम वेदर का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो उसे हम एक्सट्रीम वेदर कहते हैं. एक होता है मॉडरेट वेदर, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, बहुत प्लेजेंट रहता है. तो एक्सट्रीम का अपोजिट होगा मॉडरेट. And we will study today about extreme weather conditions. First adaptation है hibernation. Hibernation क्या होता है? We will understand the deep sleep. एक बहुत गहरी नींद of some animals, कुछ animals की, like जैसे कि polar bears, lizards and frogs during winter is called winter sleep और hibernation. उसको हम winter sleep भी कहते हैं, hibernation भी कहते हैं. कुछ animals जैसे कि polar bears, lizard, frogs, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये कुछ महीनों के लिए, ये कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए नहीं सोते हैं, कुछ महीनों के लिए वो inactive हो जाते हैं और deep sleep में चले जाते हैं. इसको कहते हैं hibernation. इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा सर्दी में अपनी एनर्जी को सेव करते हैं और ख़ुद को भी सेव करके रखते हैं. ड्यूरिंग समर, गर्मियों में दे ईट, वो खाते हैं अ लॉट ऑफ फूड, ज़्यादा खाना खाते हैं. एंड देन इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मीन्स एक्टिव नहीं रहते, एंड गो इनटू डीप स्लीप और बहुत लंबी नींद में चले जाते हैं. सेकेंड अडेप्टेशन है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? सम एनिमल्स इन द डेजर्ट्स, डेजर्ट में कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स, ये टेक अ लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद में चले जाते हैं ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स. जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उन्हें गर्मी से हार्म ना हो जाए, इसलिए वो ज़मीन के नीचे जाके एक बहुत लंबी नींद में सो जाते हैं. दिस समर स्लीप, इस समर स्लीप को कहते हैं एस्टिवेशन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन? हाइबरनेशन अकर्स अमंग द एनिमल्स विच लिव इन द कोल्ड एरियाज. एस्टिवेशन अकर इन द एनिमल्स विच लिव इन द हॉट एरियाज. और हाइबरनेशन में भी डीप स्लीप होती है और एस्टिवेशन में भी डीप स्लीप होती है. थर्ड अडेप्टेशन है माइग्रेशन. साइबेरियन क्रेन्स लिव, रहती हैं क्रेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेस, बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज में रहते हैं रशिया में. दे कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड विंटर्स, और जब वहाँ सर्दी होती है तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते. सो इसलिए दे लीव देयर होम्स इन विंटर, वो विंटर में अपना घर छोड़ देते हैं. एंड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और हज़ारों किलोमीटर वो फ्लाई करते हैं टू वार्मर प्लेसेस, कि वो गर्म जगहों पे चले जाएं इन सर्च ऑफ फूड, ताकि उनको फूड मिल सके और शेल्टर, रहने की जगह मिल सके. दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेस. नेटिव मीन्स जो उनका लोकल एरिया है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो अपने नेटिव प्लेस पे वो वापस चले जाते हैं व्हेन, जब विंटर एंड्स देयर, जब वहाँ विंटर ख़त्म होती है. सिमिलरली ऐसे ही अदर एनिमल्स, कुछ और एनिमल्स भी हैं ऑल्सो रेगुलरली मूव, जो कि रेगुलरली मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. तो ये जो सीजनल मूवमेंट होता है सीजन के अकॉर्डिंग, द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल, मास मूवमेंट का मतलब जिसमें बहुत सारे एनिमल्स एक साथ मूव करते हैं टू अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट, एक ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ मूव करते हैं जो उनके लिए फेवरेबल हो, जहाँ उनके लिए रहना ईजी हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. इसको कहते हैं माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना. हम्पबैक व्हेल्स फीड इन पोलर रीजन्स. हम्पबैक एक व्हेल की टाइप होती है, ये पोलर रीजन्स में रहती हैं, वहीं खाती हैं, बट मूव टू ट्रॉपिकल ओशन व्हेन विंटर कम्स. लेकिन जब सर्दियां आ जाती हैं तो वो ट्रॉपिकल ओशन की तरफ मूव करती हैं. ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो उस एरिया में आ जाते हैं फॉर ब्रीडिंग. ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वो ट्रॉपिकल ओशन में मूव कर जाती हैं. नाउ वी विल
read this information. Body temperature of some animals, कुछ animals का body temperature, जैसे कि जो reptiles होते हैं ना, reptile का मतलब जो ज़मीन के साथ रेंग कर चलने वाले animals होते हैं, जैसे कि snakes, lizards, etc. तो reptile, fishes, amphibian, changes with the change in temperature of the surrounding. तो जैसे जैसे surrounding का temperature change होता है, इनका body temperature भी change हो जाता है. Such animals are called cold-blooded animals. ऐसे animal जो अपना body का temperature change कर लेते हैं, उनको हम cold-blooded animals भी कहते हैं. Now, body temperature of some animals, कुछ animals का body temperature, जैसे कि mammals का, birds का, remain the same, वो same रहता है. Mammals कौन होते हैं? जैसे कि human beings, और जो maximum जो terrestrial animals होते हैं, they all are mammals. Whale एक water animal है, but that is also mammals. तो मैमल्स का, बर्ड्स का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कंडीशंस. जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ नहीं बदलता. सच एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, विच यू हैव टू लर्न. लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स हियर एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू हैव टू लर्न. Then see you in the next video with our next topic. Have a good day.